अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब दोस्त ठीक ठाक हैं? इन चेक करें, माशाल्लाह फुल हैवी वेट में राजनपुरी बकरे। और ये टैडे की तैयारी देखें, 2,20,000 डिमांड है इस टैडे की। और ये जो बड़े बकरे आप देख रहे हो, 4-4 लाख रुपया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बकरे गली लगे हुए हैं फुल हैवी वेट में। ये देखें भाई माशाल्लाह, ये बकरा चेक करें। गर्मी है तो थोड़ा सा पानी सर में डाल रहे हैं ताकि ना जानवर थोड़ा सा रिलैक्स हो। ये चेक करें जी, ये जोड़ी 8 लाख रुपए की, 4-4 लाख रुपए डिमांड है इन बकरों की। ये जी सगियां मंडी है, 2021 बकरा ईद। और ये माशाल्लाह जानवर चेक करें, इनके सारे बड़े हैवी वेट में बकरे हैं ये। 4-4 लाख डिमांड है जी इन बकरों की। ये चेक करें 2021, मैं आपको बकरे और भी दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये जोड़ी चेक करें, 8 लाख रुपया। बाकी ये भी सारा प्लाट है, इसमें सारे बकरे हैं, तो इनकी प्राइस वगैरह भी लेते हैं भाई से, पूछ के बताता हूँ आपको। ये चेक करें जी, मक्खी चीने राजनपुरी भाई, क्या हाल है भाई? ये कितने की जोड़ी है? हाँ जी, 4 लाख। सही पैसे बताओ यार। 3 लाख रुपये जी इस काले डब्बे का, 3 लाख, और इसका 1 लाख रुपये, 4 लाख रुपये। और ये वाला चीना बताओ, ये वाला चीना कितने का है? इसका 2। यार कोई सस्ते बकरे दिखाओ, बहुत मंग रेट बहुत ज़्यादा है ये वाले। इसको खड़ा करो यार, कमाल प्रिंट है। अगले साल का ये जी आंडल है, किसी भाई ने लेना हो तो। भाई कैसे हो, ठीक हो? क्या क्या पैसे हैं इन बकरों के? 1,60,000 मांग रहे हैं भाई। पुठे का 1,60,000 रुपये जितने, ये 2 निकाल के। ये खुद ख़रीदे हैं आपने, अगले साल के लिए लिए हैं आपने? ये आपने कितने कितने के लिए? आपने तो बेचने नहीं हैं। ये जोड़ी लिए हम, बड़ी जो है, ठीक है, 5,20,000। 5,20,000 की इन्होंने जोड़ी ली है, अगले साल लेके आएंगे इनको। और ये वाला कितने का लिया? 1,00,000 रुपये का लिया जी। और ये इनकी डिमांड 160 कर रहे हो? ये मक्खी चीनी है राजनपुरी, ये शेरा प्रिंट में, और ये वाली जोड़ी का वो उन्होंने 4 लाख मांगा। ये चेक करें जी, 1,60,000 पुठे के हिसाब से मांग रहे हैं सारे इनके राजनपुरी बकरे हैं बीतल में मक्खी चीने। और ये थोड़े से हल्के बकरे हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। और ये जी इन्होंने 5,20,000 की जोड़ी ली है, ये वाला बकरा और वो वाला बकरा, पर आंडल है, चेक कर लें। और माशाल्लाह झूठ बहुत अच्छे बोलते हैं ये, तो आपने इनकी बातों में नहीं आना, व्यापारी हैं भाई। बाकी ये जी मक्खी चीने बकरे हैं भाई के पास, इधर भी मैं आपको रेट लेके देता हूँ। पहले आपको ये सारा प्लाट दिखा दूँ, इस प्लाट में सारे राजनपुरी और मक्खी चीने बकरे हैं। ये जितने बकरे बैठे हुए हैं आपके सामने, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, ये 1,60,000 के पुठे से यानी कि वो देंगे। पर ये है कि कमी पेशी करेंगे, पैसे रेट बहुत ज़्यादा भाई, बंदा क्या करे। अब ये बकरे हैं, ये एवरेज बकरे हैं। इधर लाइट का थोड़ा सा मसला है, क्योंकि टेंटों में मैं आया हूँ, तो अगर आपको ये चेक करें जी, ये भी सारे राजनपुरी बकरे, इधर भी। लेकिन क्या हाल है, ठीक है भाई? कितने कितने का बकरा है ये पुठे के हिसाब से? 50,000 ये जी, 50,000 रुपया पुठे के हिसाब से डिमांड है इन बकरों की। उधर सारे मक्खी चीने हैं, यानी कि वो मक्खी चीने भी इसी रेंज में है, 40-45-50 की रेंज में है डिमांड में। ये भी छोटे हैं ना, ये वाले बड़े हैं, इनके पैसे भी वो ज़्यादा मांग रहे हैं। ये चेक कर रहे हैं, सगियाँ मंडी है ये। और ये भी सारे राजनपुरी बकरे हैं इनके, ये देखें। इनका भी वही रेट, वो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं पैसे, इनके बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। ये सारे बकरे आप देखें माशाल्लाह, 2021 की कुर्बानी के लिए 1.5 लाख, 1,60,000, 4 लाख। और ये वाले जो बहुत हैवी बकरे हैं इनके, वो देखें उनके पैसे भी बहुत हैवी हैं। ये वाला जो सारा माल बैठा हुआ है ना, ये 4-4 लाख रुपए के हिसाब से इनकी डिमांड। इधर एक टैडा इनका बहुत हैवी आ रहा है, मैं उसको अभी उठा हुआ था, पर अब वो बैठा हुआ है, ये वाला। ये टैडा फिर नहीं, अब लग में टैडा, ये वाला, ये टैडा ले जी। ये सगियाँ मंडी है, और यहाँ पे आपको मैंने थोड़े जानवरों का रेट लेके दिया। ये खूबसूरत जानवर है, हैवी है। इसके सामने जी आप इस प्लाट में आ जाओ, यहाँ पे भी सारे आपको मक्खी चीने मिलेंगे। और इधर भी इनसे पैसे वगैरह पूछ के मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है।
कस्टमर भी उस साइड पे काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये प्लाट में भी ये देखें, इधर भी सारे मक्खी चीने आपको मिल जाएंगे 2021 की कुर्बानी के लिए। रेट भाई आपने खुद करना है, लाख से ऊपर डिमांड करते हैं इन बकरों की भी, ये भी 120-130 इस तरह करके डिमांड है। आप इधर आओ, खुद अपनी समझ से जानवर लो, इनके पास ये सीलिंग क्रॉस में बछड़े भी हैं, ये देखेंगे। बाकी बाहर मेन पे जाते हैं और आपको मेन से जानवर दिखाता हूँ। वीडियो लास्ट से देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपने आठ से बाहर आया हूँ तो बाहर मेन पे यहाँ पे दुम्बे और देसी बकरे और छतरे भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कस्टमर भी आए हैं, वो सौदा हो रहा है जोड़ी का, ये चेक कर लेंगे। इस टोटल ऑल टू ऑल यहाँ पे छतरे हैं और ये दुम्बे हैं। ये शाहपुर में इनका बड़ा था, अब ये माल यहाँ पे लेके आ गए हैं दुम्बों के। और ये डिमांड करते हैं भाई 70-75, डिमांड करते हैं 55-60 में सौदा बनता है। ये बकरों का पूछ के बताते हैं बाबा जी से। बाबा जी कितने पैसे बकरियाँ दे काले दे? अच्छा किन्ने पैसे? कले दे 45,000 जोड़ी का 80 और इसका 45। और ये बड़े बकरे हैं, ये कितने कितने के हैं? ये बकरा कितने था काला चिट्टा बंदा? अच्छा चिट्टा, अच्छा उनके हैं जी। और इधर कोई छोटा छोटा चल रहा है इनका। ये जानवर देखें, ये सारे देसी बकरे हैं और छतरे हैं देसी सारे। ये सरगोधा से जो माल आता है ये वो वाला है। बाकी थोड़ा सा आगे जाते हैं और आपको वहाँ से जानवर दिखाता हूँ। इधर शॉल भी काफ़ी है, बछड़े भी बहुत ज़्यादा हैं इधर, लेकिन मैंने बछड़ों की वीडियो नहीं बनाई। ये सारा मेन पे माल बिक रहा है। आगे जाते हैं और आगे भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये रही तो अगले प्लाट में आ गया हूँ, ये सारा कुछ मेन रोड पर ही है। आप इधर आओ, आपको देसी बकरे मक्खी जी ने यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। सुबह सुबह का टाइम है अभी, ये चेक करेंगे। 2021 की कुर्बानी के जानवर हैं ये। आप इधर आओ भाई, पैसे बहुत ज़्यादा मांगते हैं ये, 60-70 लाख, 120-130 इस तरह करके भाई डिमांड कर रहे हैं। आप इधर आओ, यहाँ पे ये है कि लेकिन आपको मिनिमम 30,000 का बकरा मिल जाएगा मिनिमम, वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा इनके बहस बूस करने के बावजूद। ये चेक करें, ये मक्खी जीना ब्रीडर है, अगले साल के लिए भी हो सकता है। ये चेक करें, ये सारा माल 2021 की कुर्बानी का। रेट भाई बहुत ज़्यादा है इन जानवरों के। ये चेक करें, सारे मक्खी चीने काला चीना मक्खी चीना, एवरेज रेट भाई 55,000 है। 55,000 से लेके अब जहाँ तक मर्जी चले जाओ, यानी कि 45 से स्टार्ट करते हैं मांगना और 1-1.5 लाख तक जरूर मांगते हैं। अगर पैसे दसो बाबा जी, बेचे हैं कितने? बेचे हैं ये 3 बेचे हैं, कितने के? 160 यानी 160 के 3 बकरे बिके हैं, 2 चीने और 1 काला चीने। और आप देख लें रेट किस कदर हाई है, वो बकरे इतने बड़े भी नहीं हैं और तो भाई 160 के बिके हैं जिसका भाई जहाँ पे दाल लग रहा है। ये बकरे देखें एवरेज बकरे हैं, छोटे बकरे हैं, 28-30 का मिलना चाहिए आपको, पर पैसे बड़े मांगते हैं। बाबा कितने पैसे बकरे थे? ये देखें जिनके पास एवरेज हैं इनके बकरे हैं, मक्खी जी ने सारे बाबा जी के पास। और जी पैसे दसो किन्ने किन्ने मांग रहे हो? ये चेक करें, देसी बकरे हैं सारे 2021 की कुर्बानी के लिए। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो आप सगिया मंडी का विजिट कर सकते हो, मेन जैसे ही पुल क्रॉस करोगे तो ये इनका माल खड़ा है यहाँ पे, आपका सौदा बन जाएगा। इसकी रेंज कोई 28-30 हज़ार की जिसकी रेंज है ना, वो यहाँ पे उनका सौदा बन जाएगा। मांगने का तो वो मांगते हैं 35-40, लेकिन ये है कि सौदा आपका इधर बन जाएगा। आप आओ अपने हिसाब से इनको रेट लगाएं, इधर आपको बड़े से बड़ा बकरा मिल जाएगा, छोटा से छोटा मिल जाएगा। बुजुर्गों कितने कितने पैसे हैं इनके? पैसे किन्ने किन्ने मांग रहे हो पुठे दे? पैसे किन्ने ने बकरे दे? किन्ने लाना है? 2-3 बकरे का रेट दसो। ऐसा 45,000 रुपया मांग रहे हैं वो भाई। और ये आपका सौदा बनेगा 32-33 में एक बकरे का। ये सगिया मंडी है, ये चेक कर लें थी सारा माल। यहाँ पे गाजनपुरी बकरे मिलेंगे, बछड़े भी मिलेंगे, वो भाई 160 के बिके हैं 3 बकरे। अपने अंदाजा लगा लो कि किस कदर रेट आई हैं। ये वाला काला और ये 2 मैंने आपको दिखाया जब इन्होंने परचेज किए हैं। ये जी सारा माल है, अभी उस साइड पे बछड़े भी हैं बकरे भी हैं। सगिया मंडी भैया आप जब मर्जी आओ, माल इधर काफ़ी ज़्यादा है, अंदर तक भी काफ़ी माल है, लेकिन टेंट लगे हुए हैं ना, तो ये है कि थोड़ी सी। और गर्मी बहुत ज़्यादा भाई, गर्मी का लेवल है, शदीद किस्म की गर्मी है। ये चेक कर लें भैया आप,
बाकी ये भी देखिए, ये भी सारे मक्खी सीने थोड़े से बड़े हैं। भाई से पूछते हैं इन बकरों के रेट। भाई क्या हाल है, ये कितने कितने के बकरे हैं भाई? ये 45-45 हज़ार रुपये डिमांड है इन बकरों की। 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। और ये वाले ये 30,000 रुपये का, ये देखेंगे। बाकी जी ये सारी सूरत हाल है यहाँ पे। आपको एवरेज रेट भाई 45-55 है। सौदा आपने खुद करना है। उधर भी बछड़े हैं, बकरे मिल जाएंगे आपको, लोग भी आ रहे हैं। ये सारा माल है जी सगियां मंडी का। अभी सिर्फ ये मेन रोड पे है ना, जैसे ही पुल क्रॉस करोगे आपके लेफ्ट राइट पे माल ही माल है। इधर से मर्जी आप देख लो, फिर के जो जानवर लो, जल्दबाजी ना करें तो आपको ये है कि अच्छे जानवर मिल जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह आगे मजीद अच्छी छूट जाती रहेंगी। गाँव में याद रखें, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।